एसीबी टीम ने शुक्रवार को झुंझुनू में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद आयुक्त के साथ भाजपा पार्षद को 1 लाख की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। आयुक्त विनय पाल सिंह और पार्षद मनोज कुमावत को भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाए जाने पर एसीबी ने दोनों को दबोच लिया है। परिवादी आरिफ मथुरा ने एसीबी को शिकायत की थी कि उसकी जमीन पर प्लांटिंग सहित दूसरे काम हो रहे थे। वहीं एसीबी की दूसरी टीम ने आयुक्त से पूछताछ की तो उसने इस रकम को खुद के लिए लेना बताया। एसीबी टीम दोनों घूसखोरों को जयपुर में शनिवार को कोर्ट में पेश करेगी। फरवरी में एक परिवादी है यहाँ पे स्थानीय, उसने शिकायत की थी साहब, वो जमीन पे जब इस पर सीकर वाले रोड पे कोई प्लॉटिंग काम कर रहा है तो उस पर ये आके इन्होंने ज़बरदस्ती बोर्ड लगा दिया, बिना किसी नोटिस वोटिस दिए कार्रवाई किए, और बदले में इसको मतलब रेगुलराइज करने के लिए, प्लॉटिंग करने देने के लिए वो पैसे मांग रहे हैं। इसने संपर्क किया इधर हाथ पे मारे तो मनोज जो पार्षद है कुमावत लोकल, उसने संपर्क किया इससे कि बोले कमीशन मेरा जानकार है, मेरा अच्छी वो है, मैं करवा दूंगा उससे काम। इसके बाद ये मनोज ने इसे 4 लाख रुपये मांगे, 50,000 रुपये अपने घर बुला के उसको दिए वेरिफिकेशन के समय। फिर ये इसको लेने गया, उसने कहा भाई मुझे मिलवाओ, सॉरी कमीशन से मिलवाया। कमीशन ने कह दिया पर ठीक है भाई, जो भी करेगा मनोज करेगा, वो जो पैसे वैसे की बात है सब मनोज कर लेगा, और तुम उसमें अभी ऐसा करना पर्दे वर्दे लगा के काम कर लेना अपना, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई मतलब तुम्हें दिक्कत नहीं करेंगे, मतलब उनकी बात हो गई पूरी कॉन्स्पिरेसी दोनों की से। तो इस तरह से ये एक तरह से ये प्रकरण ऐसा था कि उसको डरा के परिवादी को और उससे रुपये ऐंठने का मामला था। पुलिस लाइन के पास में प्लॉटिंग कर रहा हूँ, 5,000 गज जमीन है, ठीक है, मेरे पास ये नगर पालिका वाले आए बोर्ड बाड लगा के और मेरा काम बंद करा के कि भाई ये काम बंद करो, आप इसकी नाइटी भी कराओ, पट्टा कराओ, फिर आपको कॉलोनी काटन देंगे। मैंने बात करी सभापति से, कमिश्नर से, तो कमिश्नर ने मेरे पास 15 लाख रुपये मांगे, ठीक है। बीच में मनोज भी था तो मनोज ने ये कहा कि मैं तेरा कम में करा दूंगा, तो मनोज बात करा, बात करके मेरा 4 लाख बेता हुआ है, 4 लाख में। तो मैंने मनोज को 50,000 रुपये भी दे दिए, फिर मैंने 10,000 रुपये और दिए, आज मैंने 1,00,000 रुपया दिया मनोज।